अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? तो ठीक हूँ चाचू। आप बहुत परेशान लगे, बताएं क्या परेशान है? आप तो जानते हैं, आपको इस तरह परेशान देखता हूं ना तो मेरा दिल परेशान है। जो कुछ मेरे साथ हुआ, तुम समझते हो कि मैं तुम्हें खुश नजर आ सकता हूं? ऐसा तो नहीं सोचा था, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था जो हो गया। इस बात को सोचकर हमेशा परेशान रहा, खौफसदा रहा, वही हो गया यार। बेटी उजड़ के घर आ गई, एक बाप की तकलीफ को तुम कितना ही महसूस क्यों न कर लो, उसे हल तो नहीं कर सकते ना। जो बात जान का रोग बन जाए ना चाचू, जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म कर देना चाहिए। बुरा ना माने, एक मशवरा देना चाहता हूं आपको। पता तो चल ही गया होगा आपको कि वो खबीस इंसान विरसा के होते हुए मंगनी कर रहा है, और ये बात हम सबको पता लगी गई है अब कि वो तलाक भी दे गए। मैं कह रहा हूं चाचू कि हम इंतजार ही क्यों कर रहे हैं इस बात। तुमने जो कुछ भी कहना है जरा खुल कर कहो। जो मैं कहना चाहता हूं कि हम, हमारा खानदान और सबसे बढ़कर आप क्यों इंतजार करें? हम जाके वो तलाक के पेपर बनवाते और जाते हैं उसके घर और उसको कहते हैं कि साइन करो और हमारी जान छोड़। और ये सब करेगा कौन? जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। मैं और अब्बा चले जाएंगे, आपने चलना है आप चलिएगा, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लेंगे चाचू। तुम लोगों को हमारी बेटी की तलाक करवाने की इतनी जल्दी क्यों है? कमाल करती है चाची आप, तकलीफ तो सिर्फ हमें ही हो रही है ना। उस खबीस इंसान ने तो ये करना ही है, आज ना कल वो जरूर तलाक देगा। हम क्यों इंतजार करें? वो तलाक के कागजात भिजवाए तो हमारी इंसल्ट होगी, लेकिन अगर हमने भिजवाए ना चाचू, हमारा हाथ ऊपर रहेगा कम से कम। फरमान ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। फरमान तुम कागज बनवाओ। नहीं मंसूर, क्या कह रहे हैं आप? आप एक दो दिन सोचने का वक्त तो लें उनसे। इधर इसने कहा और उधर आपने अपना फैसला सुना दिया। उसे क्या होगा? एक दो दिन में क्या हो जाएगा? होगा तो वही जो होना है। उसने अपनी मंगनी की खबर भेजकर हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। वो चाहता है कि हमें इसी तरह तकलीफ पहुंचाता रहे और हम झेलते रहें। बस बहुत हो गया ना, और नहीं झेला जा रहा मुझसे। तुम जाओ फरमान। ठीक है चाचू। मंसूर मैं बस